ये कहानी नैना के नैनों से देखी गई है कि जय के नैनों से? बिल्कुल, आई थिंक नैना, आई थिंक नैना के द होल फिल्म इज, इनफैक्ट आई वुडंट से नैना के जरिए, ये जो कहानी है एक फीमेल दृष्टिकोण से बताई गई है. सो नॉर्मली आई हैव डन अ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बिफोर डोर, बट इट स्टोरी वाज अ जेंडर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव. ऐसे नहीं था कि लड़की की कहानी बता रहे हैं, वाज अ कहानी. ये जो कहानी है इसका जो ट्रीटमेंट है और जो इसका पर्सपेक्टिव है, इट्स अ फीमेल पर्सपेक्टिव. अलंकृता इज वेरी डिसाइडेडली एंड वेरी कैटेगोरिकली गिवन इट अ जेंडर स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव. तो ऐसी फिल्में जेंडर स्पेसिफिक, फीमेल स्पेसिफिक एंड फीमेल के दृष्टिकोण से बताई गई कहानी में आपको काम करने में कोई झिझक नहीं थी? बिल्कुल झिझक थी, बहुत थी कोमल जी. या आई वाज वेरी स्केप्टिकल शुरू में जब अलंकृता आई थी स्क्रिप्ट के साथ. मैंने तो एक्चुअली ना कह दिया था, और गलती से वो जिस दिन आई थी स्क्रिप्ट पिकअप करने के लिए, आई वाज एट होम. सो स्क्रिप्ट पिकअप करने से मतलब वापस लेने, टू टेक इट बैक, टेक इट बैक, वापस लेने आई थी. और मैं एक मीटिंग में था एंड शी केम टू द हाउस. सो आई सेड लिसन, आई एम गोइंग टू बी फ्री इन 10 मिनट्स, अगर आपके पास समय है तो प्लीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा. क्योंकि बात फोन पे बहुत हो गई थी, 2-3 बार हमने फोन पे बात की, बट वी नेवर मेट इन पर्सन. आई जस्ट रेड द स्क्रिप्ट. व्हेन शी सेंट यू द स्क्रिप्ट, यू हैड मेट हर? नो, आई हैड नॉट मेट हर. तो फोन पे अच्छी बात हो रही थी, आई लाइक्ड हर, आई वाज लाइकिंग द एनर्जी दैट शी वाज गिविंग, सेंडिंग आउट फ्रॉम द फोन. सो व्हेन आई सॉ हर वॉक इन टू द रूम, आई सेड यार इस लड़की के लिए काम तो नहीं कर रहा हूं मैं, पर मिलना तो चाहिए. यू नो, आई डिडंट नो हु वाज अटैच्ड टू द फिल्म, नथिंग, आई हैड नो आइडिया. आई डिडंट नो प्रकाश जी वाज प्रोड्यूसिंग इट, नथिंग, नॉट इवन आफ्टर दैट. देन आई सैट डाउन विद हर एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, टू एंड यू मस्ट हैव टोल्ड हर योर रिजर्वेशंस कि आपको क्यों नहीं करनी है ये. बिल्कुल, आई टोल्ड हर एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट, जो मैंने पहले ही फोन पे बता दिया था. एंड आई इनफैक्ट स्टार्टेड हैविंग डिस्कशंस. व्हाट डिड यू फील? जस्ट एज यू सेड कि द फिल्म वॉज सेंटर्ड अराउंड अनदर पार्ट, आई वोंट से वुमन और मैन. यहाँ पे तो सिर्फ ये था कि मैं एक सेल्फिश एक्टर था, मुझे रोल्स करना है जो मेरे ऊपर बने. दैट्स द फोक, दैट्स द एरिया आई वॉन्ट टू फोकस इन. करेक्ट. सो इट वॉज एज सिंपल अ रीजन एज दैट कि मैंने कहा नहीं. एंड आई वॉज ऑनेस्ट, आई सेड, आई टोल्ड Alankrita just as that. But jab when I started talking to, so she also told me at that point of time, still not telling me what producer or anything of the film, she told me what if we come back with after the lead, because she had not approached anybody else for the film. Okay. Main pehla actor tha, and I told her no, I feel very bad about it now. But I was the first actor she came to, and she said, "What if we decide the girl? जब heroine की casting हो जाएगी, तब आपके पास वापस आएंगे." तो I said, "Alankrita, it doesn't depend on that. Right now, I'm looking at it only as a script and a film." But after I met her and I saw who she was, and we had a small discussion about the film, just generally wo kaha, I was literally asking her stuff like, where are you from, kya kuch. I was very intrigued by her. I don't meet filmmakers like her every day, you know. She's a wonderful person. To us chakkar mein main phas gaya. I said, "Lanki, yaar, tumhe to ye picture banani chahiye, and I want to be a, I mean, it didn't go down that way. We started having a lot of meetings after that, where I started trying to squeeze myself more in, कि मैं रोल को बढ़ाऊं कैसे. अच्छा. तो आई वॉज ट्राइंग टू डू ऑल ऑफ दैट, कि यहाँ पे ये करो, वहाँ पे वो करो. और आपका रोल बढ़े, यानी गुल का रोल कम हो? उतना नहीं बढ़ा, फाइनली तो इतनी ही फिल्म होती है. आई थिंक मोर देन इंक्रीजिंग द रोल, आई थिंक इट्स राउंडेड ऑफ क्वाइट वेल. मेरे खुद लिमिटेशन एज नॉट ओनली एज अ सेल्फिश एक्टर, बट ऑल्सो सेइंग दैट कि यार ये अगर मैं करूंगा तो ये सब रिएक्शंस ऐसे नहीं होंगे. आई स्टिल हैव सम प्रॉब्लम्स विद जेस, सम रिएक्शंस टू सर्टेन सिचुएशंस, बट देन यू डिसाइडेड टू फॉलो द डायरेक्टर. बट दैट, या, दैट्स द कैरेक्टर. आई अंडरस्टूड दैट्स द कैरेक्टर, एंड दिस इज पूरब, एंड दे आर टू डिफरेंट पीपल. बट आई थिंक अलंकृता, आई मीन हैट्स ऑफ टू हर, शी एक्चुअली झेलोड मी, यू नो, शी सेड कि ठीक है, लेट्स सी व्हाट ही हैज द प्रॉब्लम्स. एंड आई थिंक इट वर्कड आउट वेल, क्योंकि एक तो मैं कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से समझ गया, दैट प्रोसेस हेल्प दैट. एट द सेम टाइम आई थिंक सम ऑफ द थिंग्स दैट आई, सम ऑफ द रिएक्शंस आई एडेड ऑन टू सीन्स, और आई पुट इन टू सीन्स सम, आई थिंक वन ऑर टू मोमेंट्स ऑल्सो विच आई रोट इन, अलंकृता इनकॉर्पोरेटेड दैट इन टू द फिल्म. सो आई थिंक दैट ऑल्सो हैज मेड देयर रिलेशनशिप मच बेटर, नैना एंड जय रिलेशनशिप much better. So I think it worked out pretty well, and I'm very happy ki I did this film, because Gul aur main to ek saath iske pehle bhi kaam kiya hai. I think we have a good chemistry on screen, so that's definitely going to work for the film. Jaise Gul ne bataya ki it's a slice of life film, and the treatment is also very real. It is very real, yes. Gul is 100% real. I mean, थोड़ा बहुत तो इन आवर ओन रियल लाइफ देर इज ड्रामा, देर अप्स एंड डाउन्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक सिनेमा मीडियम है, ये माध्यम है, तो थोड़ा तो लिबर्टी लेके थोड़ा तो एनहांस करना पड़ेगा.